आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस का टॉपिक नंबर थर्ड, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। ठीक है ना, उसको बोलते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना, त्रिकोणमिति मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री मतलब ये होता है, त्रिकोणमिति में आपको समझा दो इसका मतलब त्रिकोण। त्रिकोण का मतलब क्या है? त्रिकोण मतलब होता है तीन आकृति, तीन भुजाओं वाली आकृति या तीन कोणों वाली आकृति। तीन कोणों वाली आकृति को बोला जाता है त्रिकोण। लेकिन मिति का मतलब क्या है? मिति, मिति का मतलब होता है माप। क्या होता है? मिति का मतलब माप। ठीक है ना, तीन कोणों वाली आकृतियों का मापन ही क्या कहलाता है? त्रिकोण मिति कहलाता है। यह आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है ना, त्रिकोण मिति इसको बोला जाता है। ठीक है, अब त्रिकोणमिति के अपन आज डिस्क्रिप अध्ययन करेंगे। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा त्रिकोणमिति। ठीक है ना, अपन सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं त्रिकोणमिति का मतलब क्या है। तो त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति गणित की एक महाशाखा होती है, जिसमें तीनों आकृतियों का अध्ययन किया जाता है और एक विस्तृत माप के आधार पर। ठीक है ना, इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है पाइथागोरस प्रमेय में। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें कौन सी प्रमेय लगेगी? अपनी पाइथागोरस प्रमेय लगेगी पूरी त्रिकोणमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री मतलब होता है तीन कोणों वाली आकृति, या मिति मतलब होता है माप। मैं इसको बेसिक से स्टार्ट करना चाहता हूँ आपके सामने। ठीक है ना, करें स्टार्ट। त्रिकोणमिति की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है ना, त्रिकोणमिति का कहाँ का उपयोग होता है तो मैं आपको बता दूँ। त्रिकोणमिति का सबसे पहले उपयोग होता है किसमें? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। यहाँ पे इस प्रकार की आपको आकृति दिखेगी यहाँ पे। ठीक है ना, इस प्रकार की आकृति में क्या होता है? आपका लंब होता है, ये कौन होता है? आधार होता है, और ये कौन होता है? अपना कर्ण होता है। ठीक है, त्रिकोणमिति का अपन उपयोग कहाँ करते हैं? तो त्रिकोणमिति का अपन उपयोग करते हैं किसमें? ऊंचाई से रिलेटेड सवालों में। ठीक है ना, ऊंचाई निकालना है, किसी सवाल की माप निकालना है। ठीक है ना, टेबलों के कोण निकालना है, सबसे छोटा कोण निकालना है, सबसे बड़ा कोण निकालना है। इस प्रकार की जानकारी के लिए अपन त्रिकोणमिति का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, अब मैं आपको थोड़े से फार्मूले दिखाता हूँ त्रिकोणमिति के, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो फार्मूले मैंने सुना है कि बहुत सारे लड़के लड़कियों क्या है स्टूडेंट्स, वो तालिका याद नहीं होती त्रिकोणमिति की। ठीक है ना, तो देखो तालिका कैसे करते हैं। तालिका में आपने नाम सुना होगा साइन थीटा कोस थीटा टैन थीटा। साइन थीटा होता है, एक होता है कोस थीटा, और एक होता है टैन थीटा। ठीक है, तो मैं आपको पहले तो इसका थोड़ा सा बता दूं जानकारी की। जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा का अपोजिट होता है वन अपान कोसेक थीटा। क्या होता है? वन अपान कोसेक। और यदि आप साइन इनटू कोसेक करते हो, साइन थीटा का यदि कोसेक थीटा में मल्टीप्लाई करते हैं, तो फाइनली इनसे कितना प्राप्त होता है? एक प्राप्त होता है। इसी प्रकार यहाँ पे नाम सेकंड कोना है कोस थीटा, तो कोस का उल्टा कोण होता है तो वन अपान सेक थीटा। ठीक है ना, और जब सेक और कोसेक का, जब सेक और कोस का गुणा करते हो तो आपको इनसे कितना प्राप्त होता है? एक। इसी प्रकार टेन जो होता है, टेन थीटा, इसका उल्टा होता है वन अपान कोट थीटा। लेकिन टेन इंटू कोट इक्वल टू क्या होता है? वन यहाँ पर होता है। अब रही बात तालिका, क्योंकि अपने को तो मान निकालना है साइन 45 डिग्री, कोस 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, तो ये मान अपन किस तरह से निकालेंगे? तो मैं आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे देखना आप थोड़ा सा। देखो साइन थीटा आपने देखा यहाँ पे, इसके बाद इसका मान होता है 0 डिग्री, इसके बाद इसका मान होता है 30 डिग्री, इसके बाद इसका मान होता है 45 डिग्री, इसके बाद इसका मान होता है 60 डिग्री, इसके बाद इसका मान होता है कितने डिग्री? 90 डिग्री। क्लियर? अब अपना स्टडी का जो जीरो से हुआ है, मैं नंबरिंग करूँगी यहाँ पे 0, 1, 2, 3 और कितने लिख दिया मैंने? 4 लिख दिया। अब जब गिनती यहाँ पे 4 तक गई है, तो क्यों ना सभी के बेटे में 4-4 लगा देते हैं। इसके बेटे में क्या लगा है? इसके बेटे में क्या लगा है? 4। 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 मैं आपको तालिका सिखा रहा हूँ। ठीक है ना, तालिका किसी सारे के सारे मान निकालते हैं। जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा का 0 डिग्री मान क्या रहेगा, 30 डिग्री मान क्या रहेगा, 45 में क्या रहेगा, 60 में क्या रहेगा, इस टाइप से अपन पूरे के पूरे निकालेंगे इनके मान। ठीक है ना, अब आपको पता है कि जब किसी भी संख्या का पहाड़ आप 0 में लगाते हो तो कितनी बार भाग जाता है? 0 बार। तो मतलब जब 4 का भाग 0 में लगाओ, 0 साइन 0 का मान कितना हो? 0। इसके बाद यहाँ पे क्या है, सभी में अपन लगा दें, इसके बाद इसमें क्या लगा हुआ? स्क्वायर रूट लगा हुआ, ये बात, ये आपको लगाना है। ठीक है ना, ये लगा दिया मैंने। अब आपको बताया कि 1/4, जब 1 को अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो 1 ही निकालता है, लेकिन अंडर रूट 4 का मान कितना निकालता है? 2। पता है ना सभी को? फिर तो साइन 30 का मान कितना हुआ है? 1/2। तो थोड़ा दूर दूर लिख दूँ इसको, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ये जो मान रहेगा पूरा साइन की, यहाँ पे आएगा आपका कोस थीटा, नीचे हो जाएगा आपका कौन सा? टेन।
क्लियर, ये मान के लिखते चले जाता हूँ, देख लेना थोड़ा सा, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वापस देखा 2/√4, मतलब इस टाइप की है √2/4, तो आपको पता है यहाँ पे इसको मैं जब काटता हूँ यहाँ पे तो कितना आएगा 1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1 बाई क्या पता रूट 2, तो 1 को जब बाहर निकालोगे तो 1 ही निकलेगा, लेकिन जब इस 2 को तो बाहर निकाल नहीं सकते तो 2 अंडर रूट बेसे का बेसा होता जाता है कि साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। इसके बाद अपन आते हैं 60 डिग्री की ओर, तो मैंने लिखा यहाँ पे √3/4, अब आपको पता है √3 तो √3 रहता है लेकिन 4 जब निकलता है तो कितने बचते हैं 2 बचते हैं, तो यहाँ पे मान कितना निकलेगा √3/4। इसी प्रकार जब यहाँ पे लिखा है √4/√4, ये दोनों कितनी बार कटेंगे आपस में एक बार, इसलिए 90 का मान कितना हो जाएगा 1। कुछ समझ आया, बहुत ही सरल है, ठीक है ना, बहुत ही आसान है इसको करना, बस थोड़ा सा आपको माइंड प्रेजेंट ऑफ माइंड ही रखना पड़ेगा, तो आपको जरूर याद होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कोई टफ सवाल नहीं है, बहुत सारे नाम से रहते हैं, त्रिकोण में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। अब देखो इसमें कुछ नहीं है, अब अपन इसको अगर से रिपीट स्टार्ट करते हैं, इधर से पहले लिखते हैं, सबसे पहले कौन लिखा 1, फिर दूसरे नंबर पे कौन लिखा 3/2, तीसरे नंबर पे कौन सेम, चौथे नंबर पे कौन 1/2, पांचवें नंबर पे कौन, तो आया 0। तो आपसे कोई भी पूछे कि cos 0 डिग्री का मान कितना होगा 1 होगा, cos 30 डिग्री का मान कितना होगा √3/2 होगा, cos 45 का कितना होगा तो 1/√2 होगा, दोनों का ही सेम होगा 45 डिग्री में, 60 डिग्री का मान कितना होगा 1/2 होगा, 90 डिग्री का मान कितना होगा तो 0। अब नंबर आता है 10 का, 10 का लाने के लिए क्या करोगा यहाँ पे, तो देखो 10 थीटा का मतलब क्या होता है पहली चीज के लिए, तो 10 थीटा का मैंने अपोजिट बताया था आपको अभी, तो क्या होता है cos थीटा, लेकिन 10 को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कैसा, साइन थीटा के बड़े में कौन सा थीटा cos थीटा, तो जो साइन थीटा के जो मान है और जो cos थीटा के मान है जब बटे में अनुपात में है तो अपन क्यों ना इसका भाग लगा सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए मैं आपको बताऊं यहां पे 10 0 डिग्री का मान कैसे निकाल लूं, तो देखो 10 0 डिग्री की बात करूं तो यहां पे कौन है 0, यहां पे कौन है 1, तो 1 अपन क्या लिखा 0, 0 को भाग 1 में लगाओगे तो क्या प्राप्त होगा 0, क्योंकि अपन यहां भी लगाया था 0 का भाग 4 में लगाया था, 4 का 0 में लगाया था तो 0 प्राप्त होगा, ठीक है ना। अब यहां पे वापस लगाओगे आप क्या लिखा 1/2 डिवाइड बाई कितना लिखा 3/2, तो हमेशा क्या होता है मैथ्स में कि जो चौथे नंबर की जो संख्या होती है ऑटोमेटिकली कहाँ चली जाती है ऊपर चली जाती है, इस सवाल को जब सोल्व करोगे तो इनटू लगा के 2 तो ऊपर चला गया, 3 कहाँ गया नीचे, ये 2 हमेशा कहाँ जाता है ऊपर, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा 1/√3, तो 10 30 का मान कितना होता है 1/√3। इसी प्रकार मैं यहाँ की बात करूँ तो क्या लिखोगे 1/√2 अपान क्या लिखा वापस 1/√2। अब आपको पता सेम संख्या है तो ऊपर वाली तो सेम लिखा गई लेकिन नीचे का कहाँ जाता है ऊपर, तो ये गया ऊपर बचा एक, तो ये पूरा ही कंट्रीब्यूट के कितना बचा 1, तो 10/45 का मान कितना होता है 1। आ रहा समझ में, इसके बाद देखो आगे फिर क्या लिखा 3/2 अपान क्या लिखा 1/2, तो आपको पता है पहला दूसरा तीसरा चौथा पद कहाँ जाता है ऊपर, तो क्या लिखा मैंने 2/3/2 × 2/1, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा 3/1। कोई समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, ठीक है, पता देना नहीं समझ देना आए तो मैं रिपीट कर दूंगा उसको वापस। इसके बाद वापस इसकी यदि बात करें अपन, तो 1/0 किसी भी संख्या में जब 0 का की संख्या में भाग लगा जाते हो तो ये लगाता है इन्फाइनाइट मतलब तो अनंत बार, तो काउंटिंग नहीं कब तक भाग चला जाएगा, तो 1090 का मान होता है इनका, बताओगे तालिका याद हुई, बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है ना, ये हमेशा एग्जाम में पूछते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना, जो त्रिकोणमिति का नाम आता है, तो यदि आपको ये टावर यदि टेबल याद है तो समझ लो आप त्रिकोणमिति आपको अच्छे से आती है, तो त्रिकोणमिति में आप अधूरे रह जाओगे, ठीक है ना, इसलिए मैं आपसे चाहता हूँ कि आप इस ट्रिक को याद रखें, ठीक है ना, कुछ नहीं है उसको याद रखने में, जब एक बार याद हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली यदि आपसे कोई पूछेगा 10/60 तो आप डायरेक्ट बताओ √3/1, 10/45 1/√3, ठीक है ना, 10/45 1, 10/30 1/√3, ठीक है ना, इस टाइप से आप वैल्यू फटाफट बताओगे, क्लियर, ठीक बेटा। तो इसको मैं अब चलो मैं आपको एक बार नॉर्मली निकाल देता हूँ कि कैसे मान लिखते हैं, फटाफट फटाफट मिला ना आप उसमें, चलो पहले रिवीजन अपन एक बार इस टेबल का, मैंने लिखा यहाँ पे क्या साइन थीटा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा और थीटा, यहाँ पे लिख रहा हूँ टेन थीटा, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ इनके मान 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है,
साइन जीरो का मान कितना होता है, जीरो साइन तीस का मान कितना होता है, तो साइन तीस का मान होता है वन बाई टू, साइन पैंतालीस का कितना होता है रूट वन बाई रूट टू, साइन साठ का कितना होता है रूट डी बाई टू, साइन नब्बे का मान कितना होता है एक, उसको लिफ्ट कर दो, साइन कोस जीरो का मान कितना होगा एक, कोस तीस का मान कितना होगा रूट थ्री बाई टू, कोस पैंतालीस का कितना होगा वन बाई रूट टू, कोस साठ का मान कितना होगा, कोस साठ का मान होता है वन बाई टू, कोस नब्बे का मान कितना हो जाएगा जीरो, फिर टेन आते हैं टेन जीरो का मान कितना होता है जीरो, टेन तीस का मान होता है वन बाई रूट थ्री, टेन पैंतालीस का कितना होता है वन, टेन साठ का कितना होता है रूट थ्री बाई वन, टेन नब्बे का कितना होगा, वही ना एक ही सांस में कंप्लीट आई थी प्रकार की रहती है, जब याद हो जाती है तो आपको ऑटोमेटिकली कोई बोलेगा टेन साठ डायरेक्ट आपके मुंह से भाई निकलेगी वो थ्री बाई वन, ठीक है ना, तो आपको कम से कम तीन से चार बार लिखना पड़ेगा, इसको लिखने के साथ साथ माइंड में सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है, देखो जल्दी ठीक है, तो ये आपकी त्रिकोण मेथी जो कंप्लीट हुई यहाँ पे, ठीक है ना, चलो इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं इसके फार्मूले, ठीक है ना, तो ये तो मैंने आपको मान सिखाए, तो यदि आपसे कोई पूछे कि त्रिकोण मिति किसे कहते हैं, तो त्रिकोण मिति किसे कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं, तो त्रिकोण मिति गणित की वह शाखा है, त्रिकोण मिति गणित की वह शाखा है जिसमें, ठीक है ना, तीनों आकृतियों की माप मतलब त्रिकोण, मिति मतलब होता है माप, और त्रिकोण मतलब होता है तीनों आकृतियों की गणना, ठीक है ना, तो त्रिकोण मिति किसे कहते हैं, त्रिकोण मिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम किसी भी क्वेश्चन के क्षेत्रफल हुआ चाहे उसके त्रिभुज के कोण हुए सभी के मापों का अध्ययन किया जा सकता है, उनके आंसर ला सकते हैं, उसको अपन बोलते हैं त्रिकोण मेथ, ठीक है ना, चलो देखते हैं आगे अपन, ये कर ले कंप्लीट आपने सेटअप, ठीक है, फिर तालिका तो आपको याद रखनी है, त्रिकोण मेथ में ऐसा कोई सा सवाल नहीं आएगा जिसमें टेन थीटा साइन थीटा कोस थीटा के वैल्यू आपसे ना पूछे, एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट टाइम भी है तो आपके टेंथ ट्वेल्थ सॉरी नाइन्थ क्लास से स्टार्ट हो जाता है मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना, तो आपको नाइन्थ टेंथ इलेवन ट्वेल्थ जब तक मैथ्स में पढ़ोगे आप तो यहाँ पे आपको वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस में भी आया हुआ है, ठीक है ना, तो अब हम इसके फार्मूले आते हैं, फार्मूले स्टार्ट करता हूँ मैं त्रिग्नोमेट्री के, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइन, साइन थीटा का फार्मूला होता है अपोजिट मैंने बताया था आपको कोसाइन थीटा, क्लियर, और साइन थीटा इंटू कोसाइन थीटा बस क्या होता है, क्लियर, दूसरा नाम आता है आपको कोस थीटा, कोस थीटा इक्वल टू होता है इसका अपोजिट वन अपान सेक थीटा, और कोस थीटा इंटू सेक थीटा बस कितना होता है, क्लियर, उसके बाद नाम आता है यहाँ पे टेन थीटा, टेन का अपोजिट होता है वन अपान कॉट थीटा, टेन इंटू कॉट भी वन ही होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कितना, क्लियर, तो ये तो आपके ऐसे एग्जांपल है, ऐसे फार्मूला है जो कि आपको याद होने ही बहुत ही करते हैं, मतलब बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इन फार्मूला का प्रयोग वापस होगा, क्लियर, चलो मैं आगे बताता हूँ आपको त्रिकोण मिति का आइगन वेक्टर, यदि मैं लिखता हूँ यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्लियर, यदि मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फार्मूला को साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर, इसके बाद आता है यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं अपन वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोई आप क्या लिख सकते हो कोस स्क्वायर थीटा, फिर आता है यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा को बहुत सारे प्रकार से लिख सकते हैं, कैसा एक तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे क्या साइन स्क्वायर थीटा का अपान है कोस स्क्वायर थीटा, फिर टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं अपन क्या टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन, टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन ये भी क्या जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, जब वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी आ जाएगा तो भी क्या कहलाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, और टेन थीटा देखो इसको लिखिए यहाँ पर एक फार्मूला ये भी यहाँ पे 90 माइनस थीटा में, यदि मैं लिखता हूँ यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा बस को होता है कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा बस को होता है यहाँ पे साइन थीटा, इसी प्रकार यहाँ पे होता है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बस को होता है थीटा, उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा जिनको पूरे फार्मूला याद है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना,
तो आपका रिविजन भी हो जाएगा जो आने, और आपको जो नहीं याद है वो याद भी हो जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए अपन अभी क्या कर रहे हैं, फार्मूले लिख रहे हैं। क्लियर करो आगे इसको, बहुत सारे फार्मूले हैं इसके। चलो बढ़ जाएंगे हम। यहाँ पे लिखा क्या मैंने, sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है क्या है अपने cosec थीटा। क्लियर, sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है यहाँ पे cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है यहाँ पे sec थीटा। क्लियर, ये बहुत बार एग्जाम में आया ये वाले, ठीक है ना। चलो बढ़ा गया। फिर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मान कितना होता है अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा का, तो इसको अपन अंडर रूट तो लिख सकते हैं, लेकिन अंडर रूट में लिख सकते हैं 1-4 स्क्वायर। क्लियर, इसके बाद यहाँ पे आता है cos थीटा, क्या लिखते हैं मैंने अंडर रूट में cos थीटा, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1-sin साइन स्क्वायर थीटा, क्या लगा सकते हैं 1-sin साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि जैसे स्क्वायर हटाओगे उसमें क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे फार्मूले हैं जो अपने को याद रखना पड़ेंगे इस टाइप से, तो जल्दी इसको गोबर। कर लिए, चलो बड़े आगे। अब अपन चलते हैं सर्व समय इंकोमेट्री, पहला क्वेश्चन आता है इसको बोलते हैं सर्व समय। सर्व समय का किस टाइप की, सर्व समय का तीन होते हैं यहाँ पे, सर्व समय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक। अब ये प्रूव कैसे करोगे आपके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है एक होता है, तो ये जो प्रूव करने के लिए ही अपने को क्या चाहिए त्रिकोणमिति, इसका नाम ही क्या पार्ट का त्रिकोणमिति, मतलब तीनों भुजाओं को मापते हैं। थोड़ी देर के लिए आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे, जिसको बोला जाता है राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है कि त्रिभुज तो है लेकिन कैसा है समकोण त्रिभुज, क्यों है समकोण त्रिभुज, एक भुजा कितने डिग्री की बनती है यहाँ पे 90 डिग्री। क्लियर, ये मैंने नामकरण कर दिया ए, ये बी और ए गुरु है, ये वाली भुजा है ये आपका लंब हो गया, ये वाली जो पड़ी रहती है इसके ऊपर इसको बोलते हैं कर्ण, तो ये आपका कौन सा अंत है हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर एंड बेस, ठीक है ना तीनों कंप्लीट। अब देखो जब यहाँ पे अपन सॉल्व करते हैं तो क्या लिखते हैं यहाँ पे अपन, एलिजेस लेने पर लिख लो या डायरेक्ट लिख सकते हैं, हम जानते हैं क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि संपूर्ण त्रिभुज एबीसी, हम जानते हैं कि संपूर्ण त्रिभुज एबीसी किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं को वर्गों का योग उसकी तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है तो उसे पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है, ठीक है ना। तो देखते हैं अपन इसको सॉल्व करते हैं इस प्रमेय की सहायता से। तो आपको पता है कि पाइथागोरस की सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, कर्ण होती है, तो कहने का मतलब कर्ण मतलब क्या है ऐसे, तब क्या लगोगे यहाँ पे एसी का स्क्वायर बराबर कौन होगा ए बी का स्क्वायर प्लस कौन होगा बी सी का स्क्वायर, ये आपके बन गई इक्वेशन नंबर वन फर्स्ट। क्लियर, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे समीकरण एक के दोनों पक्षों में, समीकरण एक के दोनों पक्षों में, एक के दोनों पक्षों में अपने को लाना क्या है एक आर एच एस कहलाता है, उसको देखते हुए करना पड़ेगा। तो समीकरण एक के दोनों पक्षों में एसी स्क्वायर से भाग देने पर क्या करने पर, एसी स्क्वायर से जब भाग देता हूँ यहाँ पे तो एसी स्क्वायर का अपान में क्या बन जाएगा एसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर के अपान में कौन आएगा ए बी ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बेटे में क्या जाएगा ए सी स्क्वायर, क्योंकि मुझे तो दोनों पक्षों में किससे भाग देना है एसी से देना। अब आपको पता चल गया होगा कि ए सी ए सी से ए सी कट गया कितना भाई, लेकिन ए बी अपान ए सी, ए बी अपान ए सी इसको बोला जाता है, आपने नाम सुना होगा यहाँ पे त्रिकोण मिति में लाल बटे का, तो ये क्या है लंब बटे कर्ण, तो ये क्या है ए बी क्या है ए बी क्या है लंब है और ए सी क्या है कर्ण, तो लंब बटे कर्ण थीटा बनता है उसका नाम होता है यहाँ पे साइन थीटा, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे साइन थीटा।
लेकिन यहाँ पे दोनों को ऑल स्क्वायर, यहाँ भी क्या लगा देंगे ऑल स्क्वायर प्लस बी सी अपान एसी। बी सी मतलब कौन है, आधार, एसी मतलब कर्ण, तो आधार बटे कर्ण ये आपका आता है यहाँ पे कॉस थीटा। मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या कॉस थीटा, इसका भी क्या जाएगा ऑल स्क्वायर। तो आपको क्या दिख रहा है क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कौन है एक है, तो आप यह लगा लगा सकते हैं यह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, और यह आपका कौन सा तीस। कोई समस्या है तो ये इस प्रकार की सरल समीकरण एग्जाम में आती है जो आपसे डायरेक्टली पूछेगा सामने वाला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो एक। क्लियर, इस टाइप से अपन इसको सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, हो गया कंप्लीट ये, ठीक है ना। तो इस प्रकार ही आपकी क्या थी त्रिकोणमिति की सरल समीकरण थी यहाँ पर, ठीक है ना। बड़े आगे इनको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना, एग्जाम में आते ही आते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव रूप में आएंगे। मैं आपको कहीं बाहर से नहीं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल भी जो भी क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके वर्क ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस से ले रहा हूँ। देखो आपको दिखा सकता हूँ मैं चीज़ें, ठीक है ना, जो वर्क ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस है उसी के सारे टॉपिक अपन कर रहे हैं लाइन टू लाइन। आप चाहें तो बुक्स खोल के देख सकते हैं, ठीक है ना, इनसे बाहर कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, ठीक है ना, सारे टॉपिक कंप्लीट कर लें एग्जाम के पहले पहले। हम डेली आपको टॉपिक करा रहे हैं सारे सब्जेक्ट के, ठीक है, हम डेली वीडियो को देखें तो इंडिया नए नए टॉपिक चल रहे हैं। सबसे पहले अपन ने वर्क ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस का आपके सेकंड ईयर का सबसे पहला टॉपिक करा था यहाँ पे, उसका नाम क्या था यहाँ पे बीजगणित, ठीक है ना। बीजगणित क्या हुआ है, बीजगणित के बाद अपन ने उसके पहले किया था वैज्ञानिक कैलकुलेटर, ठीक है ना, साइंटिफिक कैलकुलेटर किया था, साइंटिफिक कैलकुलेटर के बाद बीजगणित किया था, और आज अपन ने स्टार्ट करा कौन सा त्रिकोणमिति। आपके डेली टॉपिक बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो आप भी पढ़ते चलना इनको, ठीक है। एग्जाम के पहले पहले अपना टारगेट है कि आपके सिलेबस कंप्लीट करवा के हम रिवीजन वापस आपके स्टार्ट करवा दें, ठीक है। तो आप क्या है अधिक से अधिक क्वेश्चन करना, ताकि मैं आपको पूरा थ्योरेटिकल पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, आप क्वेश्चन करना। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेशन में जरूर बताना, ठीक है ना, तो मुझे भी तो पता चले कौन कौन देख रहा है। क्लियर, चलो अपन बढ़ते हैं आगे, अपन करते हैं त्रिकोण मिति का अनुप्रयोग। इसके अनुप्रयोग की बात करूँ मैं यहाँ पे अनुप्रयोग, ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग मतलब होता है कि त्रिकोणमिति का उपयोग अपन कौन कौन सी चीज़ों में करते हैं। तो त्रिकोणमिति का उपयोग अपन करते हैं क्षेत्रमिति, इसमें करते हैं क्षेत्रमिति, इसका उपयोग करते हैं अपन माप में, इसका उपयोग करते हैं अपन त्रिभुज में, ठीक है, इसका उपयोग करते हैं त्रिकोण की कोणों की मापों का उपयोग करते हैं, कोणों की माप में काम, इतनी जगह अपन इसका उपयोग करते हैं। तो अब मैं आपको बता दूँ बेसिकला सीधा बेसिक सा कि जो त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग हैं, अपन त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग कोणों की मापों को निकालने में कैसे करते हैं। तो कहा जाता है कि त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग होते हैं, कोण जो होते हैं दो प्रकार के बनते हैं, ठीक है ना, एक तो होता है उन्नयन कोण, एक होता है अवनमन कोण, ठीक है ना। उन्नयन कोण और अवनमन कोण की यदि परिभाषा में बताऊँ तो उसमें क्या होता है, उन्नयन कोण होता है, अवनमन कोण होता है, दृष्टि रेखा होती है। दृष्टि रेखा का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी सेम ऊंचाई का मेरे सामने यदि कोई खड़ा है, उसकी आंखें और मेरी आंखें यदि सेम दिख रही है, एक सेम डायरेक्शन में बन रही है, तो वो जो लाइन बनती है दोनों को देखने के प्रति बीच में जो लाइन बनती है, जैसे मैं आप अभी फिलहाल आपको देख रहा हूँ, तो आप मुझे देख रहे हैं, तो आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, एकदम सीधी सिद्ध में देख रहे हैं, तो जो देख रहे हैं और जो लाइन के रूप में जो बन रही है अपनी आंखों के सामने, उसी को बोलते हैं दृष्टि रेखा। लेकिन क्या होता है, कभी कभी अपन किसी चीज़ को ऊपर, जब मेरा मुंह है तो मैं आंखों को ऊपर करके देखूंगा, कभी कभी क्या होता है जब मैं छत पे खड़ा रहता हूँ, किसी टावर पे खड़ा रहता हूँ, तो मैं वहाँ से खड़ा होकर देखता हूँ, नीचे देखता हूँ, तो क्या होता है कि जब मैं नीचे से ऊपर की ओर देखता हूँ, जब ऊपर से नीचे की ओर देखता हूँ, तो दृष्टि रेखा तो बनती है, लेकिन जो कोण होते हैं वो अलग अलग चले जाते हैं। तो बताऊँ मैं आपको कौन कौन से कोण है, किस टाइप से जाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ नाम लिख रहा हूँ आपके सामने, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का मतलब क्या है, उन्नयन कोण का मतलब ये होता है कि जब कोई प्रेक्षक या जब कोई दर्शक किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखता है, कहाँ देखते हैं, जैसे अपन अभी यहाँ खड़े हैं, सामने फैन चल रहा है, तो मैंने नीचे से कहाँ देखा, उसको ऊपर देखा। लेकिन जब मैं छत की ओर रहूँगा तो मैं उसी फैन को छत से कहाँ देखूंगा, नीचे देखूंगा ना, ठीक है ना। तो क्या होगा कि जब कोई प्रेक्षक, जब कोई दर्शक किसी वस्तु को, मतलब ये कोई दर्शक है,
ये इसकी आंखें हैं, ठीक है। जब कोई दर्शक किसी वस्तु को नीचे से कहाँ देखता है, ऊपर की ओर देखता है, तो जब दर्शक नीचे से ऊपर की ओर देखेगा तो दर्शक खड़ा कहा जाए नीचे, तो इस टाइप का शेप बनता है। तो जब दर्शक या कोई प्रेक्षक किसी वस्तु को नीचे से कहाँ देखता है, ऊपर की ओर देखता है, यहाँ पे किसी वस्तु को आपको दिख रही है कि यहाँ पे कोई वस्तु खड़ी है, यहाँ पे कोई गेंद या फिर कुछ भी है यदि आपको दिख रही है, तो ये जो कोण है जो यहाँ से जो आपका दृष्टि रेखा ये जो कोण बन रहा है यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो कोण बन रहा है वो कहलाता है उन्नयन। क्लियर? ये हमेशा कितने डिग्री बनता है, 90 डिग्री बनता है। उन्नयन कोण का आकार हमेशा किस त्रिभुज के समान होता है, समकोण त्रिभुज के समान होता है। समकोण त्रिभुज की परिभाषा तो यह होती है कि जब किसी भी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग उसके तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है तो उसे बोलते हैं समकोणिकता प्रमेय, या उसी को बोला जाता है पाइथागोरस प्रमेय। लेकिन यहाँ पे नाम क्या है, उन्नयन कोण आया। तो उन्नयन कोण की परिभाषा क्या बनती है कि जब कोई प्रेक्षक या जब कोई दर्शक किसी वस्तु को नीचे से कहाँ देखता है, ऊपर की ओर देखता है, तो जब नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो वो वस्तु और जो दर्शक की आंख के बीच जो लाइन बनती है उसको बोलते हैं दृष्टि रेखा, और जो कोण बनता है इस टाइप झुका हुआ उस कोण को भी बोलते हैं उन्नयन कोण। कहा जाता है कि उन्नयन कोण इस टाइप का बनता है, हमेशा समकोण त्रिभुज के आकार का बनता है उन्नयन। क्लियर? लेकिन होता क्या है, एक और नाम आता है अवनमन, अवनमन कोण में क्या होता है कि जब कोई प्रेक्षक या जब कोई दर्शक किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखता है, मान के चला कि मैंने अपना छत है, घर है, घर का ये क्या है छत है, इस छत से कोई वस्तु यहाँ पे पड़ी हुई है, तो मैंने क्या करा इस वस्तु को मैं जैसे यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है ना, तो मैंने किसी वस्तु को यहाँ से कहाँ देखा, नीचे देखा। लेकिन जब नीचे देखा तो जमीन तो इस टाइप की रहती है, जमीन तो पूरी प्लेन रहती है, तो जब मैंने किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखा तो ये जो कोण बन रहा है, ये वाला जो एंगल बन रहा है उसी को बोलते हैं अवनमन कोण। और अवनमन कोण का आकार हमेशा जेड के जैसा होता है। मैं आपको बता दूं है कि अवनमन कोण का आकार हमेशा किस टाइप से बनेगा, जेड के आकार का बनेगा। तो क्या होता है कि जब यदि 60 डिग्री का कोण बनता है तो 60 डिग्री का कोण अपना यहाँ भी बनेगा, तो 60 डिग्री का कोण अपना। क्लियर? तो ये होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण मतलब क्या होता है, जब कोई प्रेक्षक और जब कोई दर्शक किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो वो बनता है अवनमन कोण, और जब कोई प्रेक्षक या जब कोई दर्शक किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो बनता है उन्नयन कोण। क्लियर? अब आपसे पूछे दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, दृष्टि विषम्य कैसे कहते हैं, दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, तो दृष्टि रेखा अपन उसे कहते हैं जब कोई वस्तु अपने जस्ट आमने सामने होती है और उस वस्तु को हम जब देखते हैं तो वो वस्तु को जब देखते हैं तो हमारी आंखों का जो गाइडेंस होता है जो सामने एकदम सामने का फ्रंट वो कहलाती है दृष्टि रेखा। क्योंकि देखोगे आप किसी को भी दृष्टि रेखा यहाँ पे भी आएगी, दृष्टि रेखा वहाँ पे भी आएगी, लेकिन दृष्टि रेखा मतलब होता है एक लाइन के माध्यम से दिखाना। जैसे ये मार्कर है, मैंने हाथ में इसको पकड़ा, मैंने जब देखा तो यहाँ पे मुझे काला काला दिख रहा है इसमें भैया, इसमें काला काला वो है, ठीक है ना, यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है इसका, तो जब मैंने जब देखा तो मेरी आंखों को कष्ट ना हुआ क्योंकि मेरे जैसे सामने रखी वस्तु, तो ये जो लाइन एक बनती है उसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। लेकिन जब मैंने मार्कर जैसे पकड़ा यूँ तो क्या है, मैंने नीचे से जब ऊपर देखा तो बना अवनमन कोण, लेकिन जब मैंने इस टाइप से देखा यूँ तो ये बन रहा कौन सा, जब मैं ऊपर देखूंगा तो उन्नयन कोण बनेगा, जब मैं इसको ऊपर से नीचे की ओर देखता हूँ तो अवनमन कोण बनता है, तो ये इसका फैक्टर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, मैं आपको वापस रिवीजन करा दूं। अपन ने जो टॉपिक करा उसका नाम त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोणों की माप, ठीक है ना, तीन कोणों की आकृतियां, और मिति का मतलब होता है माप, तो त्रिकोणमिति का मतलब क्या हुआ, तीन कोणों वाली आकृतियों का माप करना है त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति में अपन ने सबसे पहले फार्मूले पढ़े, फार्मूले मैंने आपको पूरी की पूरी टेबल बनाई है, साइन 30 साइन 45 कोस 60 90 सब आपको लिख लिख के पढ़ना पड़ेगा, दो चार बार लिख लेना, ट्रिक्स बताई थी वो आपको याद आ जाएगी। इसके बाद अपन आए थे अनुप्रयोग में, तो अनुप्रयोग में दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पे जो ऊंचाई पृथ्वी त्रिभुज की ऊंचाई निकालना, उसका कोण निकालने के लिए अपन दो प्रकार का अनुप्रयोग करते हैं, पहला होता है उन्नयन कोण, दूसरा होता है अवनमन कोण। उन्नयन कोण की परिभाषा वापस बता दूं मैं एक बार आपको, एक बार जब कोई प्रेक्षक जब कोई दर्शक किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो बनता है उन्नयन कोण, और जब कोई दर्शक या जब कोई प्रेक्षक किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो बनता कौन सा, अवनमन कोण। दोनों के एक एक फैक्ट है कि उन्नयन कोण हमेशा समकोण त्रिभुज के जैसा बनेगा, अवनमन कोण हमेशा जेड के आकार का बनेगा। क्लियर? ठीक है, ओके, बाय बाय, आज के लिए इतने काफी, थैंक यू।